जिंदाबाद जिंदाबाद जय जवान जय किसान। ये डाल दिया जाएगा और खर्चा तब तक नहीं जाएगा जब हम गाँव गाँव जाकर के जो टट्टर और ट्राली की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ लोगों से जो है बात वार्ता भी हो चुकी है, तो उन लोगों ने ट्रैक्टर ट्राली से आंदोलन को पूरा सहयोग करने के लिए जो है गाँव से निकलेंगे। और अगर प्रशासन कहता है कि हम ट्रैक्टर से नहीं जाने देंगे तो सरकार हमको बसें उपलब्ध कराए। मेरे पास पैसा नहीं कि हम बसें उपलब्ध करा सकें, हम किराया नहीं दे पाएंगे। हमारे पास ट्रैक्टर है, हम ट्रैक्टर से ही जाएंगे और अगर सरकार नहीं जाने देगी जहाँ पर रुकेगी वहीं पर डेरा डाल दिया जाएगा। किसान आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर अभी तक किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। इसी के तहत आखिर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है राकेश सिंह चौहान। इनसे जानते हैं कि किसानों की मांग पर इनका क्या कहना है। कि इस समय आज से 2 साल पहले दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन हुआ था उसमें जो प्रमुख मांगे थी, जैसे समर्थन मूल्य गारंटी कानून, किसानों का समस्त कर्जा माफी, बिजली बिल 2022 को विधेयक को खत्म समाप्त करने के लिए, इत्यादि मुद्दों पर जब आंदोलन हुआ था तो 11 महीने के बाद मोदी जी ने कहा था कि किसानों को समझने में किसानों को समझाने में हमसे चूक हो गई है, अब हम ये कानून लागू नहीं करेंगे। जो 3 किसान बिल लाए थे, किसान हमको मौका दे, और उन्होंने उन कानूनों को स्थगित करते हुए किसानों को आश्वस्त किया था और एक कमेटी बनाने का वादा किया था कि आप लोग अब धरना समाप्त करके अपने अपने घर जाइए और आप लोगों की मांगें मानी जाएंगी। 2 साल हो गए हैं, न कमेटी बनी, किसान कुछ नहीं मांग रहा है। किसान केवल मांग रहा है कि अगर सरकार किसानों के उत्पाद का समर्थन मूल्य घोषित करती है तो साथ साथ में उसका कानून बना दे जिससे समर्थन मूल्य से कम हमारा उत्पाद कहीं पर खरीदा न जा सके, न आढ़ती खरीद सके, न व्यापारी खरीद सके। इसमें कौन सा गुनाह कर रहा है? और देश में आज अगर कहीं पर भी कोई भी सबसे ज़्यादा आत्महत्या करता है तो वो किसान और मजदूर है। क्या इनको सरकारें, आज तक जो भी सरकारें आई हैं, क्या किसानों और मजदूरों को आत्महत्या के लिए मरते हुए देखना पसंद करती है? अगर पसंद नहीं करती है तो किसानों का उत्पाद का जो समर्थन मूल्य है उसका गारंटी कानून बना दे, किसान का कर्जा माफ कर दे। इन्हीं मुद्दों को लेके पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सड़कों पर पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में पूरे देश के किसान संगठन दिल्ली में डेरा डालने का काम करेंगे और सरकार को अपनी मांगे मानने के लिए मजबूर करेंगे। सर, आपके जो अंडर में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं, क्या आप लोग भी वहाँ जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, अब ये आंदोलन दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 1 लाख में से हम 25,000 किसानों को भी लेके दिल्ली जाना चाहें तो संभव नहीं है, क्योंकि इतना न तो हम परिवहन की व्यवस्था कर पाएंगे, न इतने भोजन की व्यवस्था कर पाएंगे। और अगर हम लखनऊ में आंदोलन करेंगे तो किसान अपने अपने घरों से 1-1, 2-2 किलो आटा भी लेके आ जाएगा, चावल भी लेके आ जाएगा, मोटरसाइकिल और साइकिल से भी पहुंच जाएगा आंदोलन में, तो कुछ किसान हमारे दिल्ली भी जाएंगे और उसी के समकक्ष लखनऊ में भी आंदोलन चलाने का काम किया जाएगा। सर, लखनऊ में किस जगह पे आंदोलन करेंगे, क्योंकि अब तो जो आंदोलन का स्तर है वो तो चेंज हो गया, इको गार्डन कर दिया है। देखिए, इको गार्डन धरना स्थल है, किसानों के लिए धरना स्थल जरूरी नहीं है। पूरे देश की धरती किसानों की है और पूरे देश की धरती पर कहीं पर भी आंदोलन किसान कर सकता है, धरना स्थल जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर उस समय हमको उचित लगेगा वहां पर धरना शुरू कराने का काम किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, भारतीय किसानों ने लोकतांत्रिक जिंदाबाद जिंदाबाद जय।
डाल दिया जाएगा और खर्चा तब तक नहीं जाएगा। गाँव जाकर के जो ट्रैक्टर और ट्राली की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ लोगों से जो है बात वार्ता भी हो चुकी है, तो उन लोगों ने ट्रैक्टर ट्राली से आंदोलन को पूरा सहयोग करने के लिए जो है गाँव से निकलेंगे। और अगर प्रशासन कहता है कि हम ट्रैक्टर से नहीं जाने देंगे तो सरकार हमको बसें उपलब्ध कराए, मेरे पास पैसा नहीं कि हम बसें उपलब्ध करा सकते, हम किराया नहीं दे पाएंगे, हमारे पास ट्रैक्टर है, हम ट्रैक्टर से ही जाएंगे, और अगर सरकार नहीं जाने देगी जहाँ पर रुकेगी वहीं पर डेरा डाल दिया जाएगा।